यार दिन ब दिन ये जो छोटे छोटे मैच हैं बहुत बड़े होते चले जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा छोटे मत कहा करो, मतलब ऐसा होता जा रहा है ना, मतलब माइंडसेट ही पूरा बदल गया है। जी हाँ यार, अफगानिस्तान आयरलैंड कौन इंटरेस्ट लेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उन्हें क्या पता कि पहला विकेट 6 पे गिरा, दूसरा 11 पे, फिर तीसरा भी 11 पे और फिर 14 पे चौथा विकेट गिरा और फिर इस टीम ने 160 बना दी। जी अब मतलब सामने वाले को नहीं पता ना क्या हुआ है। हाँ, उसमें कह सकते हो क्योंकि अगर आप शुरू के शुरू की 5 विकेट्स देखोगे 1-35 है, उसके बाद 0-0-5-3 ऐसा स्कोर है, फिर एक बंदा आता है और वो बंदा आज से नहीं जमाने से जिम्मेदारी ढो रहा है। जब से अफगानिस्तान ने खेलना शुरू किया तब से वो खेल, मतलब मैं इस बात को श्योर कर सकता हूँ, किसी से भी आप रैंडम पूछो जो क्रिकेट देखता हो कि भाई अफगानिस्तान के एक खिलाड़ी का नाम बताओ, मोहम्मद नबी जरूर बोलेगा। दो पूछो इस टाइम, ठीक है राशिद को बोल देगा, बट क्योंकि पॉपुलर है T20 क्रिकेट की वजह से बहुत कुछ, बट जिसने लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रखा होगा ना उसने मोहम्मद नबी का नाम जरूर बोलेगा। अगर आप 30+ या 40+ से पूछ लोगे वो तो नबी बोलेंगे ही बोलेंगे। हो सकता है वो राशिद खान ना बोले क्योंकि वो लीग्स नहीं देखते हैं आजकल 40-45 साल के लोग, बट मोहम्मद नबी सब बोलेंगे और आज फिर उसने बचा लिया। लेकिन बहुत बड़ी बात है जब 8 प्लेयर सिंगल डिजिट स्कोर में आउट हो उसके बाद भी अगर टीम 150 बना जाए, मतलब कुछ ही देर पहले हमने WPL देखा है, मतलब इतना ज्यादा वन साइडेड ये मैच हो गया कि मतलब सिर्फ शेफाली ने रन्स बनाए और टीम 150 रन भी नहीं बना पाई, लेकिन यहाँ पर 8 सिंगल डिजिट स्कोर, लेकिन उसके बाद भी अगर टीम 150 बना दे तो सोचिए मोहम्मद नबी की ग्रेटनेस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मोहम्मद नबी ने इसमें सदीकुल्ला अटल, हाँ बिल्कुल अटल और नबी की जो पार्टनरशिप हुई थी 78 रन की, वहां से मैच एक तरीके से जो मोमेंटम बिल्कुल चला गया था आयरलैंड की तरफ वापस, पिछले मैच में यही हुआ था। हाँ, एक बंदा खड़ा रहता है कुछ रन मारता है और बाकी टीम ऐसी बैठ जाती है, उसके बाद नीचे राशिद खान आते हैं, बल्ला घुमाते हैं, 12 बॉल में 25 रन मारते हैं और चले जाते हैं, एक छक्का 3 चौका। ये फारूक खरोटे जो है, मेरे ख्याल से आप पिछली बार बात की थी ना जी, तो ये लड़का लगातार नया लड़का, सोचिए एक मैच जिताते हैं नबी और खरोटे मिलकर के, नबी 39 साल के, खरोटे 19 साल के, मतलब उनके बीच में एक बेटे का गैप है, एक पूरा बेटा तैयार होकर खड़ा हो सकता है, इतना गैप है दोनों के बीच में, और दो बंदों ने मिलकर के उस टाइम भी जिताया और वो लगातार कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज के मैच में भी खरोटे राशिद खान के साथ खड़े रहे, तभी राशिद खान ने जो 25 रन की पारी खेली जिसमें एक छक्का दो चौके आए, वो शानदार वो नॉर्थ स्टाइल वाले जिसकी राशिद खान अक्सर प्रैक्टिस करते हैं, और क्या कहते हैं विकेट भी लेकर दी यार। बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूं ना, ये लड़का मतलब कुछ गजब भाई जा रहा है। एक तो क्योंकि आप देखो वही वाली चीज है, ग्लेन मैक्सवेल में हम पैट कमिंस की बात करते हैं, राशिद खान मार पाए क्योंकि ये लड़का खड़ा था दूसरी साइड, दोनों के बीच 25 रन की पार्टनरशिप होती है। गौतम गंभीर ने कहा है कि अफगानिस्तान जो है वो ट्रबल देगी T20 वर्ल्ड कप में, बड़ी बिल्कुल हमें दिख रहा है वो ट्रबल, आपको ऊपर का टॉप ऑर्डर बिल्कुल बिखर गया सही बात। गुरबाज को देखो 3 रन बना के, अटल को देखो, अटल ठीक है लेकिन उसके बाद इब्राहिम जादरान 7 बॉल 5 रन, मोहम्मद इशाक 0 पहली बॉल पर, अजमतुल्लाह उमर सही एक बड़ा नाम पहली बॉल पे चला जाता है, फिर नबी और सिद्दकुल्ला अटल ये टिकते हैं, तब जाके एक पार्टनरशिप आती है, मतलब आपके पास मैच विनर बहुत नीचे तक हैं। और बिल्कुल आप देखिए राशिद खान तक बल्लेबाजी कर रहा है, राशिद खान कितनी नीचे आया उसके बाद राशिद बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 रन 25 रन मारकर आपके गए और फिर उसके बाद जब हाथ में बॉल आ जाती है फिर तो ये जादूगर है द मैजिशियन भाई। अभी इंजरी से वापस आए ना, अभी ये लग ही नहीं रहा लेकिन रेगुलर। खैर आयरलैंड की बॉलिंग की बात, पाकिस्तान वाले बड़ा गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन आयरलैंड की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी बॉलिंग की यार फारूक, यार अच्छी करी बट मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान वाले कितना गुस्सा कर रहे होंगे, क्यों राशिद तो इंजर्ड है ना, PSL नहीं खेल पा रहे थे, DSP तो सो रहा है ना पर लाहौर बहुत बुरी हारी यार, और खैर जाने दोस्त दर्द की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आज जोशुआ लिटिल और मार्क एडायर दो प्रीमियम बॉलर आयरलैंड की तरफ से अफगानिस्तान के लिए ट्रबल लेके आते हैं, हालांकि बाकी नहीं कर पाए बट 4 ओवर 20 रन 2 विकेट। जोशुआ लिटिल अंश किस तरीके से एक इंप्रेसिव लड़का दिन ब दिन लीग क्रिकेट खेलता है फिर निकल के आता है नेशनल टीम में और ज्यादा परफॉर्म करता है। बिल्कुल, जोशुआ लिटिल और मार्क एडायर तो कह रहे होंगे मैंने तो अपना काम कर दिया कि हमारा काम है नई बॉल से विकेट चटकाना, लेकिन उसके बाद क्या जो खरोटे काम करते हैं, जो राशिद खान करते हैं, वो तो स्पिनर्स को काम करना है, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेस किया है जोशुआ लिटिल ने, गुजरात टाइटंस के लिए भी एक सीजन बहुत अच्छा रहा था यार, गुजरात के लिए तो जब जोशुआ लिटिल आए थे मतलब जिन्होंने नहीं देखा था उनको लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के यार, इतना बढ़िया प्लेयर वही हो सकता है आप लेकर आए, मतलब आप आयरलैंड से थोड़ी उठा के लाओगे खिलाड़ी को, नई बॉल से अच्छा बैटिंग भी कर लेता है, ऐसा नहीं बैटिंग नहीं करता है, बैटिंग भी कर लेता है बंदा, तो यार मजेदार। लेकिन यार आयरलैंड से वो किक नहीं दिख पाती है मुझे काफी बार जोशुआ लिटिल में, मतलब कहीं ना कहीं कमी दिखती है मुझे जोशुआ लिटिल, वो बात जो गुजरात टाइटंस में दिख रही थी वो बात नहीं दिख पा रही थी। हमेशा से कहता हूँ कोच का एक बड़ा इंपैक्ट होता है, मेहरा जी वहाँ पे हैं, कुछ ये सोचनी पड़ेंगे। खैर उसके बाद जब अफगानिस्तान ने रन बना दिए 150, अब आती है चेस के बारे, 150 T20 में चेस हो जाता है,
कहानी लग भी रही थी हो जाए क्योंकि एंडी बर्बरीन और पॉल स्टर्लिंग दो सबसे एक्सपीरियंस, एक फॉर्मर कैप्टन ओडीआई का और एक टी20 का कैप्टन, दो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज ओपन करने आते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। लेकिन फिर जब गेम में राशिद खान आते हैं, पहले खरोटे इन दोनों को निपटाते हैं, फिर गेम में राशिद खान आते हैं और फिर तो फारूक राशिद छोड़ते ही नहीं है। राशिद कहते तू भाग, मैं मारता जाऊं। वो मुझे वो लगते हैं, क्या नाम है उसका, अजय देवगन उस मूवी में सिंघम में, ओ भाई वो भगा भगा के मारते हैं, वैसे ही मारते हैं। लेकिन 4 ओवर 14 रन 4 विकेट, मैं वही कह रहा हूं ना, आप सोचो ना, जीटी इतनी तो खुश हो ही रही होगी कि भाई बहुत गंदा खुश हो रही होगी यार, भाई के पास खुशखबरी आई, भाई के पास खुशखबरी आई है और बढ़िया कर रहे हैं यार, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, 4 में 14 4 विकेट, लेकिन खुश मुंबई भी हो रही होगी, दुखी भी। लेकिन भाई खुश मुंबई, आपने नबी को लास्ट में खरीदा है बिल्कुल, और नबी मान ही नहीं रहे, सस्ते में निपट गए, सस्ते में निपट गए, और वो बिल्कुल रखे हुए चुपचाप से रखे रहेंगे नबी, कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है, इतना ज्यादा मौका मिलेगा नहीं, कहीं मिले मौका मिले तो कर दिया। चेपक जाओगे, स्पिनर लेकर जाओगे, हाँ स्पिनर भी लेकर जाओगे। फजल हक फारूकी महंगे साबित हुए, लेकिन नवीन उल हक, खरोटे, राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये 4 बॉलर जो की एक तरफा ले गए अंश, बिल्कुल। और मानना पड़ेगा ये अफगानिस्तान टीम की स्पिन फैक्ट्री है, हर दूसरे दिन कोई प्लेयर आ जाता है, इसमें नूर वही कैसे अहमद नहीं है, नूर अहमद नहीं है, तो देखिए खरोटे आ गए अचानक, खरोटे आ गए अचानक, बाकी की टीम यार ये राशिद के आने के बाद हुआ है रेवोल्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल। राशिद खान ने खुद कहा था अफगानिस्तान में अब नए नए लेग स्पिनर खूब बन के आ रहे हैं, जैसे रांची में अब बैट उतने नहीं बिकते जितने ग्लव्स बिकते हैं, पिछले कुछ साल से ग्लव्स जितने ज्यादा रांची में बिकते हैं, ना बैट बिकता है, ना पैड बिकता है, ना शूज बिकते हैं, क्यों भाई, सबको धोनी बनना है, बिल्कुल। खैर अफगानिस्तान की जीत और राशिद की जो कैप्टन थी वो कैप्टनसी भी अच्छी नजर आई, एक अटैकिंग कैप्टनसी के तौर पर, क्योंकि 150 रन नहीं होते ज्यादा, आपको विकेट के लिए जाना होता है, राशिद विकेट के लिए गए, जबकि शुरू में दो सेट बैटर हो गए थे, दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप आ गई थी, 49 रन की पार्टनरशिप पहली हुई, लेकिन उसके बाद कोई भी पार्टनरशिप नहीं बनी दी गई, हैरी टैक्टर का बल्ला नहीं चला यार, मैं मुझे बड़ा इंप्रेसिव प्लेयर लगता है, बट बल्ला कभी-कभी इंजन स्लो पर ज्यादा ट्रैक करता है, राशिद खान ने पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया ना, टक्कर है वैसे ये, हां हैरी टैक्टर, लॉक एंड टकर विकेटकीपर बैट्समैन है, कर्टिस कैंपर है, ये 3 हैं जो कि अच्छे हैं, इंडिया के अगेंस्ट जॉर्ज डॉकवेल ने भी अच्छा किया था, आज यहां पे नहीं चले हैं, लेकिन डेथ फारूक इनके पास भी है, हां डेथ हो गई इनकी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये सही था। खैर एक एक से सीरीज बराबर हो गई है सीरीज में, क्योंकि यार अच्छा ये फारूक ये भी बहुत चल रहा है ना, ये जो एक एक से बराबर करने वाला सिस्टम, एक एक से बराबर कर लो, खेलो 2 मैच एक से बराबर कर लो, फिर तीसरे में बाकी देख लेंगे होगा तो। खैर एक रिकॉर्ड भी बना, सबसे पहले T20 में 100 चौके ब्रेंडन मैकलम, 200 तिलक रत्ना दिलशान, 199 से पहले रिटायर हो गए थे ब्रेंडन मैकलम, पॉल स्टर्लिंग ने 300 चौके लगाए और आज 400 का भी पॉल स्टर्लिंग लगाया, एक बड़ा बल्लेबाज, एक अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, दुनिया भर की लीग खेलता है। खैर फारूक कमबैक करेंगे बताओ? नहीं करेंगे, चाहता भी नहीं हूँ यार, मैं चाह रहा हूँ अफगानिस्तान मूड में आगे बढ़े यार, देखने में दिलचस्प होगा, अगर अफगानिस्तान यहाँ से सीरीज जीत के जाएगी तो दोस्त T20 वर्ल्ड कप के लिए अलग कॉन्फिडेंस लेके जाएगी, हमने इस वर्ल्ड कप में देखा, उस वर्ल्ड कप में कितना कमाल कर पाएंगे, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।